एक बार फिर लेकर आई हूँ एक पर्दाफाश करने। इतने बड़े खेल कार्यक्रम में आखिर क्यों होता है धांधली और कौन है वो लोग? मेरा जो खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ था, रजिस्ट्रेशन भी हो गया था उसका, और विक्रम सर और मदन सर ने मेरा नाम कट करवा दिया वहाँ से। मैडम ये हमारी एक बच्ची है ज्योति, इसका सिलेक्शन हुआ था खेलो इंडिया में और बकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारे कैथल के ही एक कोच ने इसका नाम कटवा। आप क्या चाहते हो? कि मेरा सिलेक्शन दोबारा हो जाए, मेरा नाम दोबारा आ जाए खेलो इंडिया में। हवाला कह दिया कि बोर्ड के एग्जाम में मेरी गुड़िया 11वीं क्लास में कौन से बोर्ड के एग्जाम होते हैं। ज्योति कुमारी नाम है जबकि मेरी बेटी का सिर्फ ज्योति नाम है। जो लेटर दिया गया है वो बिल्कुल फेक, इन्होंने फेक लेटर बना के ऐसे स्टैंड से मेरे बच्चे का नाम कटवाया कि इतना बड़ी खुशी आई हुई थी कि एकदम उस पर पानी फेर दिया। हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे के साथ न्याय हो और इसको दोबारा खेल इंडिया में खेलने का मौका दिया जाए। खिलाड़ियों के साथ न्याय हो, ज्योति के साथ न्याय हो। उड़ने दो उन्मुक्त गगन में पंख मेरे ना काटो तुम, उड़ने दो उन्मुक्त गगन में पिंजरे में ना बांधो तुम। आखिर क्या धांधली है खेलो इंडिया के पीछे? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संसार क्रांति में। मैं अंजलि चावला एक बार फिर लेकर आई हूँ एक पर्दाफाश करने। जी हम बातचीत करेंगे और खेलो इंडिया की पूरी धांधली की जानकारी आपको देंगे। आखिर इतने बड़े खेल कार्यक्रम में आखिर क्यों होता है धांधली और कौन है वो लोग जो करते हैं धांधली? आइए बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के कोच से। एक बहुत बड़ा मामला आया है, क्या आया है मामला? आप जल्दी से जल्दी जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हम बातचीत कर आपको बताते हैं। आइए आप सभी मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शिव कुमार, ताइक्वांडो कोच। देखिए हमारे साथ शिव कुमार जी है कोच जो है, क्या मामला है पूरा, कौन है वो लोग जो खेलो इंडिया में धांधली कर रहे हैं? मैडम ये हमारी एक बच्ची है ज्योति, इसका सिलेक्शन हुआ था खेलो इंडिया में और बकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारे कैथल के ही एक कोच ने इसका नाम कटवा दिया। मामला ये है कि ये बच्चा खेलने से वंचित रख दिया। और इसमें किन किन लोगों का हाथ है और पूरा किस तरह से जो है इस व्याख्या को इस को अंजाम दिया गया, आप बताइए कि आखिर किस तरह से क्या क्या इसमें कहा गया, क्या सच झूठ है, पूरा आप दर्शकों को बताइए ताकि लोगों को भी पता चले कि खेलो इंडिया जैसे इतने बड़े खेल कार्यक्रम में आखिर प्रतिभा को जगह क्यों नहीं मिल रही है। हम उस हरियाणा में खड़े हैं जहाँ से गीता फोगाट, बबीता फोगाट, सुनील कुमार जैसे खिलाड़ी सामने आते हैं। वहाँ पे ऐसी धांधली खिलाड़ियों की, हमारी छोरियों की ही पंख काट रही है। आखिर क्यों पिंजरे में बांधने में लोग तुले हैं? मैडम ये ऐसा है कि 10 दिसंबर को मैंने इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाया, जो भी मेरे से इसके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए मैंने प्रोवाइड करा के इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन नंबर आया 10 दिसंबर की बात है ये, और अभी मैंने फ्राइडे को स्टेट सेक्रेटरी थानथा खेल के स्टेट सेक्रेटरी मदन लाल जी को जब फ़ोन करके जानकारी पूछना चाहिए कि अगला कार्यक्रम बच्चों का क्या होगा, उनके द्वारा बताया गया है कि मेरे पास ज्योति की मदर का फ़ोन आया है कि उन्होंने अपनी बच्ची खिलाने से मना कर दिया है और जो कि जो लेटर दिया गया है वो बिल्कुल फेक है। उनके फादर जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछो बाकी सारी। आप लोगों ने कोई लेटर दिया था? क्या नाम है आपका? हमारे पास तो शिव सर ने बताया कि ऐसे ऐसे नाम कट गया। मैम ने कहा आपके पास कोई फ़ोन आएगा? हमारे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया क्योंकि मेरा ही नंबर गया हुआ है। मैडम के साथ तो बात मैं ही कराऊंगा, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, कोई कुछ कोई पता तक नहीं है मेरे को तो कभी ऐसे ऐसे न, मैं क्यों इसमें खुश था कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, बच्ची का नाम ऐड हो रहा है और भाई तेरे बड़ा खुशी का विषय है और ऊपर तक भी खेल के भी आई थी कलकत्ता, वहाँ से भी गोल्ड मेडल लेके आई थी, मैं तो खुश था। मैंने कह मेरा था एकदम यह आफत है पड़ेगी, किसी कोई करने वाला कौन है, किस तरह है, मैं हम उनको जानते तक भी नहीं है, कभी एक आध बार मिले बेशक मिले लेकिन नाम तो भी न जाना थे ना कुछ ना, किस तरह साजिश रची है इस बंदे ने, कैसे फ्रॉड किया, किसके द्वारा कॉल कराई है, कौन वह मैडम खड़ी करी है इसने, और वो आगे जाके उन्होंने ऊपर बात कराई भी ऐसे ऐसे। और सबसे बड़ी बात है हवाला कह दिया कि बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरी गुड़िया 11वीं क्लास में कौन से बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। ज्योति कुमारी नाम है जबकि मेरी बेटी का सिर्फ ज्योति नाम है, मैंने आज तक ज्योति कुमारी नाम तक नहीं दिया। उन्होंने फेक लेटर बना के ऐसे स्टैंड से मेरे बच्चे का नाम कटवाया कि इतना बड़ी खुशी आई हुई थी कि एकदम उस पर पानी फेर दिया इन्होंने।
तो आप क्या चाहते हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं, और जो इतने बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं इस तरह का धांधली कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या चाहते हैं, इसमें क्या सुनवाई हो? मैं तो ऐसे पदों वालों से वो चाहता हूँ कि ऐसे गरिमा के पद पर बैठे हुए इंसान को कभी भी ऐसे उसमें रखना नहीं चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस बंदे ने फ्रॉड किया, किसी दूसरी बच्ची के साथ भी कर सकता, आज मेरे के साथ हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे ऐसे बंदे ऐसे पद पर रहें, अच्छे जो कोच हैं वो इस ऐसे पदों पर आएँ, और मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी बच्ची को न्याय मिले, मेरी बच्ची को दोबारा नाम आए, और आप जैसे लोग अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो शायद मैं ये सोच रहे हूँ कि मेरे बच्चे का नाम आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके लिए ही आए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि सच्चाई को सबके सामने लाया जाए। कहाँ है वो बच्ची, उस बच्ची को भी बुला लेते हैं, बच्ची को भी बुला लेते। देखिए अभी भी जो है वो बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है लगातार, यहाँ पे देखिए किस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है। ये बच्ची हमारे साथ आई है, इस बच्ची से हम बातचीत करेंगे। आ जाओ बच्चे, आ जाइए, आप लोग आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ हम बैठेंगे और बातचीत करेंगे इस बच्ची से। इस बच्ची से जानेंगे कि आखिर इसके पूछे क्या है पूरा मामला। आ जाओ हमारे साथ, ये देख सकते हैं ये जो बच्ची है 11वीं क्लास में है और ये हमारे साथ है 11वीं क्लास की बच्ची। क्या नाम है आपका? ज्योति। पूरा नाम क्या? ज्योति राजराणा। देखिए इनको बना दिया गया ज्योति कुमारी, ये तो पहला ट्रेलर है। आप पूरी फिल्म देखिए किस तरह से बनाया गया। क्या हुआ आपके साथ? मेरा जो खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ था, रजिस्ट्रेशन भी हो गया था उसका, और विक्रम सर और मदन सर ने मेरा नाम कट करवा दिया वहाँ से, और किसी और लड़की को दे दिया मेरी पोजीशन। एक बार फिर नाम बताना, किसने नाम कट करवाया? विक्रम सर और मदन सर ने। तो आप क्या चाहते हो? कि मेरा सिलेक्शन दोबारा हो जाए, मेरा नाम दोबारा आ जाए खेलो इंडिया में। खेलो इंडिया में नाम दोबारा आ जाए। बच्ची देख सकते हैं किस तरह से अभी भी नाम कटने के बाद भी बच्ची का हौसला देखिए कि इतने ठंड में प्रैक्टिस कर रही है, और इसका फल ये मिलता है कि बच्चियों की छोरियों की जो है पंख काट दी जाती है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये लोग क्या चाहते हैं, क्या ये धांधली यहाँ तक पहुँच गई है कि इन मासूम बच्चियों का जो है वो सपना इस तरह से टूट रहा है। जो आप उधर भी कैमरा कीजिए, दिखाइए कितने छोटे छोटे बच्चे जो है, कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो प्रैक्टिस कर रही है, और लगातार जो है इनके कोच इनके साथ लगे हुए हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हो? कि मेरा नाम दोबारा वापस लेकर आए। चलो ठीक है, एक बार इनके कोच से जान लेते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप इतने ठंड में इन बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होगा कि जिस तरह से हम हरियाणा के इतने सारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे ऐसे बच्चे भी जाए। हालांकि ये बच्ची गोल्ड मेडल भी लेकर आई है, आप सभी को पता होगा अगर आपने पुरानी न्यूज़ देखी होगी तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारे बच्चे के साथ न्याय हो और इसको दोबारा खेलो इंडिया में खेलने का मौका दिया जाए, कि बच्चा डेली प्रैक्टिस के लिए प्रयासरत है। इतनी ठंड में भी जहाँ लोग अपने बिस्तर में छुपके रहते हैं, वहीं ये बच्चे आकर यहाँ पसीना बहाते हैं इस मौसम में। देखिए इस हरियाणा के उस पे खेल पे यहाँ के खिलाड़ियों पे तमाम फिल्म बने, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में बनती है जो किसी को पता ही नहीं होता है, जैसा खेलो इंडिया में हो रहा है। हालांकि कई ऐसे मामले आते हैं जो सामने भी नहीं आते हैं, लेकिन मैं ये करना चाहूँगी इनके जज्बे को कि देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों ने सामने आकर सच बोलने की कोशिश की, और वो बहुत बड़ी बात होती है कि आपके साथ अगर अन्याय होता है तो आप आवाज़ उठाइए, हम जो है अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे, आप भी हमारा साथ दीजिए। एक बार फिर से बोलिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे, और तेज, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने चाहिए, जरूर चाहिए। मेरा बड़ा दिल दुख रहा है इस बारे में कि मेरे साथ लगे तो तभी जाके मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा। सारे खिलाड़ी आ रहे हैं और एक बार सभी जो है खिलाड़ी के लिए, आ जाओ पाजी आप भी आ जाओ, सारे जो है एक बार खिलाड़ी के लिए आवाज उठाएंगे। एक बच्ची के साथ, एक छोरी के साथ जो है अन्याय हो रहा है हरियाणा के, और सारे खिलाड़ी जो है यहाँ के आवाज उठाएंगे। आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, आ जाओ पीछे सारे, आ जाओ, अरे इधर आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, चलो हरियाणा के पानी में दम है, सारे की आवाज तेज निकलनी चाहिए। संसार क्रांति के माध्यम से अन्याय के लिए आवाज उठाना है, हमारे खिलाड़ियों के साथ न्याय हो,
न्याय हो। खिलाड़ियों के साथ न्याय हो। नाम बताया था? ज्योति का। हाँ, ज्योति के साथ न्याय हो। ज्योति का नाम दोबारा खेलो इंडिया में आए। ज्योति का नाम दोबारा खेलो इंडिया में आए। खेलो इंडिया में धांधली बंद करो। बंद करनी चाहिए, ऐसे बंदे नहीं। बंद करो। बंद करो। बंद करो। बंद करो। बंद करो। बंद करो। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। न्याय का साथ दो। न्याय का साथ दो। तो चलिए, सारे खिलाड़ी जो है वो आवाज उठा रहे हैं, और संसार क्रांति के माध्यम से मैं आपसे फिर मिलूंगी, और इसी तरह से सच्चाई और अच्छाई के लिए आवाज उठाते हुए। तब तक आप सभी बने रहिए संसार क्रांति के साथ। राम राम।